So we are changing, and change is always inevitable. We have to expand further, we have to grow further in terms of our turnover, and which are not possible merely by the line extension or the range extensions. We cannot be stagnant. We have to move forward, and for that we are making certain big changes which we believe will take us to the major heights in the time to come. इससे भी ज्यादा सोच हमने रखी हुई है. जब हमने पंप्स का बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वर्टर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, स्मॉल अप्लायंस, जैसा कि आप जानते हैं, मिक्सचर, जूसर, सब ऑल प्रोडक्ट्स के साथ हमने मार्केट में एक सर्विस इमेज से और कॉम्पिटिटिव प्राइस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लास्ट ईयर 850 करोड़ रुपीस का टर्नओवर अचीव किया. उस इवेंट से हमारे को इंडिया में एक नई रेकोगनाइजेशन मिली, और हमने अब ये सेकेंड इवेंट, जो कि आज इंडिया में कहते हैं कि क्रिकेट और सिनेमा दो काफी फेमस हैं, कस्टमर्स के अंदर इनकी काफी पहचान है, इन दो मीडिया को हमें अपने किसी भी ब्रांड को बनाने के लिए जोड़ना एक जरूरी भी है और अच्छा भी है. तो आज अराइज इंडिया लिमिटेड क्रिकेट के साथ जुड़ी, उसके बाद सिनेमा के साथ आज जुड़ रहे हैं. कस्टमर्स का प्यार, हमारे R&D की डेवलपमेंट, हमारे फैक्ट्रीज के अच्छी वर्कमैनशिप से हम आपको मिलने वाले प्रोडक्ट, इन बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि हम एक बाजार में अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं.